शक्ति उसमें आता है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि वो उसमें आता है और वो दोबारा कोमा में चला जाता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है इसके द्वारा हम इन सब चीजों को रोक सकते हैं। इस मॉडल को बनाने के लिए हमने सबसे पहले उपयोग किया है यहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्लव को यहाँ पर और फिर ए एफ लैक्स सेंसर, इसको हम रजिस्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने नीचे 10 की ओम रजिस्टर का यूज किया है। ए आर्डिनो नैनो, इसमें कोडे को अपलोड किया जाता है, लैपटॉप की सहायता से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर की सहायता से भी कर सकते हैं। उनमें सॉफ्टवेयर होता है आर्डिनो आईडी नाम का, लेटेस्ट वर्जन है जो कि उसके द्वारा हमने इसके लिए कोडिंग अपलोड की है। यहाँ पर मोबाइल जिससे हम चार्ज करते हैं वो वाला हमने इसमें यूज किया है और यहाँ पर ए है बिग बजर है और ए 9 वोल्ट की बैटरी और ए है एचडीएफसी स्विच। हमने आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता। इस मॉडल का सिद्धांत प्रतिरोध के मान में परिवर्तन पर आधारित है। सपोज करिए कि मैं कोमा में व्यक्ति था और उसको होश आता है। सबसे पहले बेसिकली जो कोमा व्यक्ति रहता है उसको जैसे ही होश आता है तो उसकी उंगली मूवमेंट होता है सबसे पहले, तो इस प्रकार पता चल जाएगा। इसी साथ साथ जो भूमि व्यक्ति रहते हैं नीचे पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनको भी उनके लिए भी हेल्प करने के लिए लोग आ जाएंगे। अभी किस प्रकार यूज होता है, क्योंकि जो ब्लड सेंसर होता है इसका उपयोग जलोदर की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इस सेंसर की डिजाइनिंग प्लास्टिक तथा कार्बन की सामग्री का उपयोग करके की जाती है। प्लास्टिक सदैव कार्बन पर व्यवस्थित किया जाता है और उसे एक तरफ कर दिया जाता है। चूंकि इसका अलग अलग प्रतिरोध की मात्रा के सीधे अनुपातिक होता है इसलिए इसे गोनीमीटर की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो ब्लड सेंसर होता है जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये पूरे में सप्लाई करता है, लेकिन इसमें इतनी पावर रहती है कि जब तक ये मुड़ता नहीं है तो इसमें पूरे में सप्लाई नहीं होने देता, इसे बंद नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही मुड़ता है तो इसमें ये सिग्नल भेजता है आर्डिनो नैनो को और आर्डिनो नैनो सिग्नल भेजती है यहाँ पर बिग बजर को। बजर को हमने कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर नेटवर्क की बैटरी पावर बैटरी लगाई हुई है और फिर इस प्रकार बजर लगता है।